हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब कुछ बनाना हो यमी और बहुत कम टाइम हो तो फटाफट से हम ये बनाएंगे रेसिपी। ये बनाएंगे हम बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत यमी लगेगा आपको। तो चलिए बनाने चलते हैं। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे आलू और आलू का ऊपर से पील रिमूव करके उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको करेंगे ग्रेट। ग्रेट करने से जो हमारे लच्छे से तैयार हो जाएंगे, ऐसे हम इसे ग्रेट करेंगे फटाफट से। हम एक एक आलू करके ग्रेट कर लेंगे, ऐसे फटाफट से हम ग्रेट करेंगे। और इसके जो लच्छे से हैं, ये लच्छे यही हमारे बहुत यमी बनेंगे। ये आलू के लच्छे तैयार हो जाएंगे। मैं दूसरा आलू भी ऐसे ही ग्रेट कर रही हूँ। मैं सारे आलू ऐसे ही ग्रेट करके डाल दूँगी इसमें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैं इसको ऊपर तक भर दूँगी, 2 गिलास पानी डालूँगी इसमें। ऐसे 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है और अब मैं दूसरा गिलास पानी का डाल रही हूँ। इसको खूब ऊपर तक भर देंगे। ये हरी मिर्ची ली है मैंने, को बिल्कुल बारीक बारीक काट के ली है। और मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अंडे। ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बिना ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हो सकती है। एक अंडा डाल दिया है मैंने, अब मैं दूसरा ऐसे ही डाल दूँगी और अब तीसरा डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो विस्कर भी ले सकते हैं, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल बारीक बारीक काट के हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे जैसे भी आपको पसंद है, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। और लाल मिर्च ऐड करेंगे, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे स्ट्रेनर से भी इसे छान लीजिए, चाहे इसका पूरा पानी निकाल लीजिए। ऐसे ऐसे निकाल के हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, मैं 2 स्पून भर भर के डाल रही हूँ। आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, आप सूजी भी ले सकते हैं। आप ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मैं कम यूज़ कर रही हूँ, कम डाल रही हूँ। आप हाफ कटोरी भी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे, ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे हम मिक्स कर देंगे इसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ चावल का आटा, ये मैं 2-3 स्पून डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने ली है पिज़्ज़ा चीज़, इसके मैं छोटे छोटे स्लाइस कर रही हूँ। अगर जो आपको स्लाइस वाली चीज़ मिल जाए तो आप वो भी बहुत बेटर है। इसके छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे। नॉन स्टिकी पैन लेंगे और उसमें डालेंगे घी या तेल, जो भी आप डालना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद है। ऐसे हम डालेंगे और उसकी ऐसे नॉन स्टिकी ही पैन होना चाहिए। अगर जो नॉन स्टिकी पैन नहीं होएगा तो हमारा सारा बैटर नीचे चिपक जाएगा। और उसकी ऐसे धीरे से ग्रीसिंग कर लेंगे। आप एक बार थोड़ी सी टिक्की की तरह बना के देख लीजिएगा, अगर जो वो चिपक रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर जो आपके पास नॉन स्टिकी तवा है आप वो भी ले सकते हैं। और ऐसे फिर हम जो हमारा बैटर है वो हम आधा ऐड करेंगे, आधा हम रख लेंगे, आधा हम जो हमने चीज़ ली है पिज़्ज़ा चीज़ वो डालने के बाद डालेंगे इसमें। ऐसे अच्छी तरह से फैला देंगे हम, ऐसे हम अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। जो हमारा बैटर है वो हम आधा डाल देंगे इसमें। और हमारी फ्लेम बिल्कुल कम होनी चाहिए, हमारी ज़्यादा फ्लेम होगी तो ये जल जाएगा, ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाएगा अंदर से। और अब मैं ऐड कर रही हूँ चीज़, जो हमारी पिज़्ज़ा चीज़ है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर जो आपके पास मेयोनीज़ है आप वो भी डालिएगा, उससे तो बहुत यम्मी लगता है ये, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर जो वो नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर जो मेयोनीज़ है तो वो आप भी ज़रूर डालिए। और इसके ऊपर मैंने जो ये मेरा हाफ बैटर बच गया था वो डाल रही हूँ।
ऐसे अच्छी तरह से फैला देंगे इसे। जो हमारा बैटर है मैंने सारा डाल दिया है, अब इसको ढक के रख देंगे। हम इसे 5 से 6 मिनट कुक करेंगे। अब ये हमारा एक तरफ से तो कुक हो गया है, अब हमें इसे एक बड़ी सी प्लेट लेके इसे पलटना है। हमें इसे पलटने के लिए इसके ऊपर बड़ी प्लेट उल्टी करके रखनी है, बड़ी प्लेट रखनी है ऐसे, और फिर इसको ऐसे पलट देना है, ऐसे पलट देना है। ये एक तरफ से कुक हो गया। पैन की हम फिर से ग्रीसिंग कर लेंगे और इसे ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे से डालेंगे, बिल्कुल आराम से ऐसे, और इसको ढक के रख देंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। आप इसे टूथपिक से देख लीजिएगा कि ये अच्छी तरह कुक हुआ है कि नहीं। और ऐसे ये हमारा बन के तैयार है, यमी यमी। आप इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए, बहुत यमी बनेगा ये। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए इसमें जो हमारे आलू के लच्छे हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं, कितने यमी लग रहे हैं देखने में। ये देखिए आलू के लच्छे, देखिए इसमें दिखाई दे रहे हैं। जो मैंने चीज़ डाली है वो भी दिखाई दे रही है। यमी यमी बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए, कितना यमी बनेगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।